घाघरा थाना क्षेत्र के टोटाम्बी डैम से उसी गांव के नंदलाल नायक के शव बरामद होने के बाद 24 घंटे के अंदर घाघरा पुलिस मामले का उद्भेदन करते हुए मृतक के भतीजा बबलू नायक व मृतक की भौ राज मुनि देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में SDPO मनीष चंद्र लाल, प्रशिक्षु DSP प्रदीप प्रणव, थाना प्रभारी अभिनव कुमार ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नंदलाल अपने सारा माओवादियों के कुख्यात नक्सली दिलधर नायक के अंतिम संस्कार में चैनपुर गया हुआ था, जहां से बीते रविवार वह काफी नशे की हालत में घर पहुंचा और अपने छोटे भाई की पत्नी को छेड़छाड़ करने लगा। माँ को छेड़छाड़ करता देख मृतक के भतीजा ने उसके ऊपर वजनदार डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे वह वहीं पर गिर गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। घटना की जानकारी मृतक के भतीजा ने अपने माँ को बताया कि उसके बड़े पिताजी की मौत हो गई। इसके बाद बोरा में बंद करके माँ और बेटा दोनों ने डैम में लेकर उसे डाल दिया। बबलू ने बताया कि लगातार मृतक के द्वारा उसकी माँ को छेड़छाड़ पूर्व से भी किया जाता था, जो कि बर्दाश्त नहीं होता था। कल घाघरा थाना अंतर्गत टोटाम्बी डैम में एक अज्ञात शव को बोरा में बांधकर चढ़ाई बांध के फेंकने की बात पर सूचना मिली थी, जिस पर थाना के में पदस्थापित प्रशिक्षु DSP प्रदीप प्रणव, थाना प्रभारी अभिनव कुमार और देव प्रताप गए। वहाँ पर जाकर वहाँ डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान वहीं के नंदलाल नायक के रूप में किया गया। ये उनके बाद प्रकाश में आई कि नंदलाल बीते शनिवार को अपने साला हरदिल नायक, जो कुख्यात नक्सल था, जिसकी किडनी फेल होने के कारण उसकी मृत्यु इलाज क्रम में हो गई थी, जिसके डेड बॉडी को जलाकर वो रविवार को अपने गांव में आया और वहीं पर काफ़ी नशा पान करने के बाद वो अपने छोटे भाई की पत्नी को छेड़छाड़ कर रहा था, जिसमें उसका बेटा, उसका भतीजा उसको देखकर उसको मना किया, लेकिन नहीं मानने पर इसी बात को लेकर वहाँ पर वाद विवाद हुआ और उसको उनका भतीजा बबलू नायक वो पत्थर से पूछ कर उसकी हत्या कर दिए और राजमुनि देवी उसकी भावा और बबलू नायक दोनों उसको बुरा बांध कर और डेड बॉडी को छुपाने की नीयत से वहीं टोटामी बगल में ही टोटामी डैम है उसमें जाकर उनको फेंक दिए। इसमें तुरंत प्रशिक्षु DSP द्वारा बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड का उद्भेदन 24 घंटे अंदर कर लिया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके गिरफ्तार करके न्यायिक जांच भेजा जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।